नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रिसिशन पे टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप प्रिसिशन पे रेस्टोरेंट पॉस एप्लीकेशन का यूज करके जो सेल का फॉर्म है उसमें टेक अवे और डाइनिंग की जो सिस्टम्स हैं उनमें जो टेक्स्ट कंट्रोल्स हैं, यानी कि जो आप जिस पर क्लिक करके टच पैनल पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आइटम ऐड होता है, तो जो क्लिकेबल बटन्स होते हैं उनके कंट्रोल्स की हाइट विद फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर और जो इसमें कंट्रोल में इमेज शो हो रही है उसको विजिबल करना या इनविजिबल करना वो किस तरह से करेंगे, चलिए आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे, जो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप सेल में जाएंगे, सेल ऑफ गुड्स में, तो ये जो पहला फॉर्म खुला ये टेक अवे का है। टेक अवे के फॉर्म पे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कंट्रोल्स हैं जिन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आइटम ऐड हो जाता है सेल के लिए। तो इन आइटम जो कंट्रोल है इस कंट्रोल का साइज हो गया, मतलब हाइट में, विद में, और इसका जो फॉन्ट जैसे आइसक्रीम एस पर चॉइस लिखा है इसका फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज, और ये जो इमेज ऊपर शो हो रही है इसको इनेबल रखना है, मतलब विजिबल करना है या नहीं करना है, वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। वैसे ही डाइनिंग पे जाएंगे तो डाइनिंग के इसमें देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल चेंज है, यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं सेम एज इट इज जैसे टेक अवे में करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं आज कि किस तरह से आप इन कंट्रोल्स के कंट्रोल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि इसके फॉन्ट को चेंज कर दीजिए, हाइट को चेंज कर दीजिए, फॉन्ट वेट को चेंज कर दीजिए, फॉन्ट कलर को चेंज कर दीजिए, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दीजिए, वो सब आप करके यहाँ पे देख पाएंगे, जैसा हम आपको दिखाएंगे वैसा आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाएंगे सी ड्राइव में। जब आप सी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जब हम आपके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको RTS रिपोर्ट्स नाम का फोल्डर मिलेगा, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे AJB फाइल मिलेगी उस पर क्लिक करना है। AJB फाइल के अंदर जो टेबल है, यानी जो डाइनिंग की बात हो रही है जहाँ पे टेबल सिस्टम है उसे टेबल बोलेंगे, टेबल के कंट्रोल्स हैं, नॉन टेबल यानी टेक अवे का जो कंट्रोल्स हैं उसकी बात हो रही है। उसी तरह से इसमें और भी ऑप्शंस हैं जैसे OT आइटम, यानी कि जब हम ऑर्डर टाइप वाइज सेल कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे फॉन्ट का विथ हाइट और कलर, सॉरी साइज और हाइट और विथ और फॉन्ट सेट कर सकते हैं। उसी तरह से जब आइटम के मेन्यू की बात हो रही है, यानी कि किसी आइटम के मल्टीपल साइज के हिसाब से आप आइटम सॉर्ट आउट करते हो, मान लीजिए आप कोई भी एक पिज्ज़ा की बात करें तो मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है, उस तरह का आपका कंट्रोल होता है, तो उसका भी आप साइज, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का फॉन्ट नेम और उस कंट्रोल की हाइट और विड्थ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक चीज सीखते हैं, आप उससे और भी चीजें कर सकते हैं, यानी आप अगर टेक अवे की बात करें, हम टेक अवे भी सीखते हैं, तो टेक अवे के अगेंस्ट आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे आप टेक अवे करेंगे वैसे आप डाइनिंग में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे टेक अवे की बात हो रही है तो यहाँ पे उसका फॉन्ट कैलिबरी दिया है और जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट दिया गया है और जो कंट्रोल है उसका पैक कलर है कॉर्नफ्लावर ब्लू दिया गया हुआ है और उसका साइज जो है फॉन्ट का वो 11 है, हाइट सॉरी विड्थ यहाँ पे 110 है यानी 110 और हाइट जो है कंट्रोल की 155 है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इमेज शो करनी है नहीं वाई है, यानी कि अभी हम इमेज शो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसको मैं एन कर दूँ, सिर्फ इमेज शो की बात हो रही है, इसको मैंने एन कर दिया यानी हमको नहीं दिखानी है। तो अब आप जब टेक अवे में जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए कहीं पर भी इमेज शो नहीं हो रही है, किसी भी कैटेगरी के आइटम्स में इमेज शो नहीं होगी यहाँ से पूरा। अगर इसको हम वाई कर दें और फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे इमेज शो होने लगी। तो पहला कंट्रोल तो ये था कि आप यहाँ पे इमेज को विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। दूसरा, अगर कंट्रोल की विड्थ बढ़ानी है, यानी कि जो ये बटन आपको दिख रहा है जिस पर इमेज भी लिखा हुआ है, इमेज भी आएगी और नाम भी, नेम भी लिखा हुआ आइटम का, तो उसका अगर आपको विड्थ बढ़ानी है, जैसे मान लीजिए मैं इसकी विड्थ को 150 करना चाहता हूँ तो मैंने 150 लिखा और इसको मैं एक बार देखूंगा तो देखिए अब इसकी विड्थ बढ़ गई। आप यहाँ पे जितने कंट्रोल्स देख पा रहे हैं सबकी विड्थ जो है बढ़ गई है, तो इस तरह से आप कंट्रोल की विड्थ को बढ़ा पाएंगे।
उसी तरह से अगर आपको कंट्रोल की हाइट बढ़ानी है तो कंट्रोल की हाइट यहाँ से ऐसे आप इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर दोबारा इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए कंट्रोल की हाइट भी बढ़ गई। तो इस तरह से आप जो भी कंट्रोल्स हैं उनकी हाइट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, फिर मतलब आप अपने हिसाब से उसे मेंटेन कर पाएंगे। वैसे ही अगर आपको फॉन्ट के कलर को ब्लैक करना है तो आपने फॉन्ट के कलर पे ब्लैक लिखा, यहाँ पर आए तो रिफ्रेश किया, अब आप देखिए यहाँ पे फॉन्ट का कलर ब्लैक हो गया है। इसी तरह से अगर आप बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहें तो आप इस बैकग्राउंड कलर को वाइट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ब्लू दिखा था, इसको वाइट कर दिया, अब देखिए ये जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा वाइट हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसी तरह से अगर आपको फॉन्ट को चेंज करना है टेक्स्ट के फॉन्ट को, तो आप जैसे यहाँ पे तहोमा कर दिया या एरियल कर दिया, कैम्ब्रिया भी कर सकते हैं, मतलब जितने तरह के फॉन्ट्स होते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप दोबारा इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देखिए यहाँ पे फॉन्ट जो है तहोमा हो गया और साइज भी उसका बढ़ गया। तो इस तरह से आप कंट्रोल्स के साइज को, टेक्स्ट के साइज को, कंट्रोल के टेक्स्ट के साइज को, उसके फॉन्ट को और उसके कलर को, फॉन्ट के कलर को और जो कंट्रोल है उसका बैकग्राउंड कलर को, उसके अलावा जो कंट्रोल है उसकी विड्थ और उसकी हाइट को आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, यानी कि डायनेमिक कर सकते हैं। डायनेमिक है, हमने आपको ऐसा फीचर दे रखा है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं कि आप उसकी विड्थ को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, जैसा करना चाहे जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं, यानी कि हमने इसको डायनेमिक दे रखा है। तो पीसेस एनपी रेस्टोरेंट एप्लीकेशन में आपको ये फीचर फैसिलिटी दी गई है कि आप जो भी कंट्रोल्स हैं टेक अवे और डाइनिंग के, उनकी हाइट विड्थ और जो फोर कलर है, फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट का जो फॉन्ट है मतलब टेक्स्ट है उसको और बैकग्राउंड कलर को कंट्रोल के वो चीज कर सकते हैं। आई होप आपको ये फीचर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।